हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग घर पे पिल्लो कैसे बना सकते हैं। जैसे वैसे हम खरीदते हैं, ये रेडीमेड पिल्लो में मिलते हैं जो फॉर्म के हैं। ये मेरे पास रेडीमेड पिल्लो, ये मेरे फॉर्म के पिल्लो हैं, और ये वाले जो पिल्लो हैं ये मैंने घर पे बनाए हैं कॉटन के साथ, फाइबर कॉटन के साथ। और क्योंकि मेरे पास जो मेरी बेडशीट के साथ पिल्लो कवर मिले हैं ना, ये मेरी बेडशीट के साथ जो पिल्लो कवर मिले हैं वो छोटे हैं, वो मेरे इन फॉर्म के पिल्लोज के ऊपर नहीं आ रहे। ये देखिए, ये इनके लिए टाइट है, तो मैंने इनके लिए घर में पिल्लो बनाए जो कि इसके अंदर फिट आ जाएंगे। इनके साइज के मैंने घर में पिल्लो बना लिए। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि पिल्लो कैसे बनाते हैं। पिल्लो बनाने के लिए ना, आप सबसे बड़ी बात है कि जो रेडीमेड पिल्लो होते हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। जो रेडीमेड पिल्लो होते हैं, चाहे वो कॉटन के हो चाहे वो फोम के हो, वो एक स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। उनको आप बड़ा या छोटा अपनी उसके अकॉर्डिंग पतला या मोटा नहीं कर सकते। जब हम घर पे पिल्लो बनाते हैं तो कॉटन के साथ, तो उसमें क्या है कि हम उस साइज को अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें बड़ा पिल्लो चाहिए, लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, कम मोटा चाहिए, तो उसी हिसाब से हम पिल्लो को बना सकते हैं। और पिल्लो को बनाते वक्त हमें एक नाप कैसे लेना है, कैसे इसकी साइज एडजस्ट करनी है, वो सब मैं बताऊंगी। और वैसे क्या है कि जब हमें पिल्लो बनाना है, उसका कवर भी खुद घर पे बनाना है, ये कवर पिल्लो के साथ पिल्लो को कवर खुद घर पे बनाना है, तब तो क्या है कि हम कोई भी साइज का पिल्लो बना सकते हैं, बड़ा छोटा लंबा मोटा। बट अगर हमें पिल्लो जो है वो, जो हमारे पास बेडशीट के साथ पिल्लो कवर मिलते हैं, ये वाले, जैसे ये भी बेडशीट के साथ पिल्लो कवर मिला है, तो हमें क्या है कि स्टैंडर्ड साइज का ही पिल्लो बनाना होगा। एक पिल्लो स्टैंडर्ड साइज का बनाना होगा, ताकि जो भी हमारी बेडशीट के साथ हमें मिलते हैं कवर, पिल्लो कवर, वो उनके अंदर फिट हो जाए। तो ये मैंने दो बनाए थे, वो तो मेरे फॉर्म के पिल्लो, ये दो पिल्लो मैंने कॉटन के साथ बनाए हैं, और यही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि इनको कैसे बनाना है, कैसे मेजरमेंट लेनी है और कैसे बनाना है। अब जैसे मुझे अपने इन पिल्लो कवर्स के, ये जो पिल्लो कवर्स हैं, ये वाले जो मेरे पिल्लो कवर्स हैं, इनके लिए मुझे पिल्लो बनाना है, क्योंकि फॉर्म के पिल्लो जो मेरे पास हैं वो बड़े हैं। तो इनके लिए जब मुझे फॉर्म पिल्लो बनाना है, तो मुझे मेजरमेंट कैसे लेनी है और कैसे सारा कुछ करना है वो मैं बताऊंगी। मेरे पास ये है, एक मेरी क्लोथ है, प्रिंटेड है, इसी का मैं आज पिल्लो बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे लेने हैं। अब मेजरमेंट लेने के लिए जो कवर है उसी से हम मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि हमें इसी का पिल्लो बनाना है। जिस भी पिल्लो कवर के लिए आपको पिल्लो बनाना है ना, आपको उसी का मेजरमेंट लेना होगा। वैसे क्योंकि मैं तो रेकमेंड करूंगी आप स्टैंडर्ड साइज का ही बनाओ ना। स्टैंडर्ड साइज क्या है कि उसके साथ वो इजीली फिट हो जाता है, हमारे जो भी बेडशीट मिलती, बेडशीट के साथ पिल्लो कवर मिलते हैं। अब इसका मेजरमेंट कैसे लेना है, जब हमें बनाना है, तो देखो ये जो पिल्लो है ये है टोटल, इसकी लेंथ है 29 के करीब, ठीक है, और जो इसकी विड्थ है वो है 18 इंच। पर हमें जो अपना पिल्लो बनाना है ना, वो इतना लंबा या इतना चौड़ा नहीं बनाना, वो हमें कैसे मेजर करना है, ये सेंटर से, क्योंकि ये तो आगे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा हुआ है ना, ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है, हमें यहां से, ये जो डिजाइन है ना, यहां से मेजर करना है। तो यहां से हमारा कितना आ रहा है, 16 के करीब, ठीक है, 16 इंचेस। तो हमें जो इसकी चौड़ाई है ना, वो 16 इंच लेनी है, 16 इंच। और ऐसे ही हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी है, लंबाई जो लेनी है वो हमें लेनी है ऐसे, यहां से लेकर एंड तक यहां पर है 27 इंचेस। तो वो होगी हमारी चौड़ाई, होगी 16 इंच, और हमारी लंबाई होगी 27 इंच, 27 इंच। और अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर 1 इंच प्लस करेंगे, 27 का हो जाएगा 28, क्योंकि हमें सिलाइयां लगानी है, मार्जिन चाहिए, और 16 का हो जाएगा 17 इंच, क्योंकि हमें सिलाइयां लगानी है और उसके लिए मार्जिन चाहिए। तो अब हम करेंगे इनको, इनकी कटिंग। कटिंग के लिए हम अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जो हमारे पास फैब्रिक है जो भी है उसको हम क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके उसे हम बिछाएंगे और उसके ऊपर अपनी मार्किंग करेंगे जो हमें कट करना है।
चौड़ाई जो है वो हमें रखनी है 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 17 इंचेस। तो हम 17 इंचेस पे मार्क लगा लेंगे। आप चाहो तो यहां इस साइड से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इस साइड से भी लगा सकते हो। तो मैं यहां से और 17 इंच पे एक मार्क लगा लूंगी सारे पे लेंथ में। ये मैंने सारे निशान लगा लिए हैं और अब इन सब निशानों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इन सब निशानों को मिलाने के बाद हमें लेंथ का मार्क लगाना है कि लेंथ कितनी चाहिए हमें। लेंथ हमारी थी 27 इंचेस, तो यहां से हम लेंगे 28 प्लस हाफ 28। यहां से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि ऊपर से हमें फोल्ड भी करना है। तो ऊपर से 1 इंच और नीचे की तरफ से आधा इंच, तो टोटल हम लेंगे 28.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 28.5 इंच यहां आ रहा है और इस साइड से भी 28.5 इंच को लेकर हम ये पूरा निशान मिला देंगे। दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब क्या है, हमें कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और ये हमारे जो है एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसे साइड पे निकाल दिया है। तो अब हम इसकी पहले स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम इसके अंदर कॉटन को फिल करेंगे। सिलने के लिए हमने यहाँ पर थ्रेडिंग कर रहे हैं पहले मशीन की। स्टिच लेंथ में स्टिच और स्टिच लेंथ सेट कर रही हूँ। स्टिच ले रही हूँ सिंपल जिगजैग सिंपल स्ट्रेट स्टिच नंबर 1 और जो स्टिच लेंथ है वो मैंने रखी है 3.5। तो अब हम इसे सिलेंगे। सिलने के लिए आप चाहें तो पहले मार्किंग कर सकते हैं कि हमें कितना कितना सिलना है। जैसे यहां पर ये मुझे यहां से ये ऐसे आधा आधा इंच की उस पे डिस्टेंस पे जो है वो सिलाई लगानी है, तो वो हम सिलाई लगाते हैं। तीनों साइड से स्टिच लगा लिया है हमने, सिर्फ एक एक साइड ओपन रहने दी है जहां से हम इसमें इसके अंदर कॉटन की फिलिंग करेंगे। ये साइड ओपन रहने दी है, बाकी ऑल 3 साइड से मैंने इसे सिल लिया है। अब या आप चाहें तो इसे सिक्योर कर सकते हैं ओवरलॉक से, पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये इस चीज अंदर ही जानी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है ओवरलॉक करने की। और अब क्या करेंगे, हम इसके यहां पे इसे स्टिच लगाएंगे, ऐसे सिलाई लगा देंगे जहां, ताकि ये हमारा बंद हो जाए। इसमें हम रुई भर के फिर इसको हाथ से सिलेंगे। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और हम इसके ऊपर
स्टिच लगाते हैं। पूरी सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हम ट्रिम कर देंगे और इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे सीधा करने के बाद हमारे पास एक बैग सा तैयार हो जाएगा। इसके सारे कॉर्नर्स भी ठीक से बाहर निकाल लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉटन की फिलिंग करेंगे। मेरे पास यहाँ पर ये कॉटन है, इसे फाइबर कॉटन कहते हैं। ये एक कपास से जो बनता है वो वाला कॉटन भी होता है, आप कोई भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये वाला कॉटन ले रही हूँ क्योंकि ये ना लाइट वेट होता है। और इसको हम सारा भर देंगे, और भरने के लिए हम ये कॉर्नर्स का पूरा ध्यान रखेंगे। कॉर्नर्स में अच्छी तरह से रुई की फिलिंग करेंगे। स्टार्टिंग हम कॉर्नर से करेंगे, कॉर्नर में अच्छी तरह से रुई की फिलिंग करके फिर बाकी का भरते जाएंगे। बैलेंस करते हुए भरेंगे, ऐसा नहीं हो कहीं पे कॉटन ज्यादा हो जाएगा और कहीं पे कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बैलेंस करते हुए कॉटन को भरना है। जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहां कॉटन कम है, वहां पे थोड़ा सा कॉटन और ऐड कर दो। पूरा कॉटन भरने के बाद अच्छी तरह से हम इसे थोड़ा सा थपथपा देंगे ताकि हमारा पूरा जो रुई है वो एक तरह से सेट हो जाए इसके अंदर। और उसके बाद हम इसके जहां से हमने रुई को फिल करने के लिए जो स्पेस छोड़ा था खाली, उसे हम सिल देंगे। जैसे ये जो हमने स्पेस खाली छोड़ा था रुई फिलिंग करने के लिए, अब हम इसे सिल देंगे यहां से, ताकि कॉटन हमारा जो है वो बाहर ना निकले। इसको आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं इस पोर्शन पे, और अगर चाहें तो सुई से भी लगा सकते हैं। मैं यहां पर नीडल से लगा रही हूं स्टिच। उसके लिए हम पहले नीडल में थ्रेड कर लेंगे। डबल थ्रेड लेना आप, सिंगल थ्रेड मत लेना। डबल थ्रेड को भर के एक नॉट लगाएंगे नीडल में भरने के बाद, और हम उसका फ्रंट जो है जिस जहां से हमने एंट्री करा है अपना कॉटन, वहां से सिलाई लगा देंगे। और उसको सिलना कैसे है वो मैं बताती हूं आपको। यहां से ऐसे पकड़िए कॉटन को, पहले अंदर की तरफ कर दीजिए, बाद में हम इसको सेट कर लेंगे इसको पूरा सिलने के बाद। और यहां से अब हमें सिलना स्टार्ट करना है इस पोर्शन से। ऐसे छोटे छोटे स्टिच लेते जाइए और इसे पूरा सिल दीजिए। ये मैं आपको दिखा पा रही हूं, ये देखिए ये आ रहा है पीछे का स्टिच। ऐसे इसको पूरा सिल लेंगे हम। ये देखिए हमारा जो पिल्लो है वो बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसे उस कवर में कवर इसके ऊपर वो वाला चढ़ा देंगे जिसके लिए हमने इसे बनाया है। हमने इसे इस कवर के लिए बनाया था, तो हम इसे अब इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए जिस कवर के लिए हमने इसे बनाया था, हमने उस कवर को इसके ऊपर चढ़ा दिया है। और ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।